हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मिथिला का प्रसिद्ध और स्वादिष्ट दाल पिट्ठी। ये स्वाद के साथ साथ बहुत ही सेहतमंद व्यंजन है। इसे बनाने में बहुत ही कम तेल या घी का प्रयोग किया जाता है, और अगर आप चाहें तो तेल घी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि ये जब तैयार हो जाता है उसके बाद सिर्फ छौंक के लिए ही हम थोड़ी सी घी का उपयोग करते हैं। अगर आप छौंकना नहीं चाहें तो उसे स्किप कर दें, इसके स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके साथ ही हम बनाने वाले हैं काबली चने का सलाद, जिसे हम सफ़ेद चना भी कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। तो आइए इसे अब बनाना शुरू करें। तो दाल पिट्ठी बनाने के लिए हमें चाहिए आटा, तुअर की दाल, टमाटर। ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मिथिला में टमाटर पहले सालों भर नहीं पाया जाता था, सिर्फ जाड़ों के मौसम में ही टमाटर मिलता था। इसलिए जो भी मैथिल ट्रेडिशनल व्यंजन है उसमें टमाटर कंपलसरी नहीं है। हरी मिर्च, हल्दी, नमक। काबुली चने की सलाद के लिए हमें चाहिए काबुली चना, इसे सफ़ेद चना भी कहते हैं। खीरा, प्याज, टमाटर। खीरे को छीलकर साफ कर लेना है, प्याज को भी छीलकर साफ कर धो लेना है और टमाटर को भी धो लेना है। दही 2 बड़ा चम्मच, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। अगर आपको ये नहीं मालूम हो कैसे बनाते हैं तो इसका वीडियो है हमारे चैनल पर, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आपको देख सकते हैं। नमक, हल्दी, नींबू, चाट मसाला और काला नमक। आइए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये सफ़ेद चना हमारा 5 से 6 घंटे का भींगा हुआ है, इसका पानी निकाल लेंगे हम और इसे बॉईल कर लेना है। नमक और हल्दी डाल के पानी डालेंगे और इसे 1 सीटी तेज आंच पे और 2 मीडियम आंच पर, मध्यम आंच पर लगा देना है। पूरी अच्छे से इसे हमें पका लेना है। गैस हम ऑन कर लिए हैं और इसे 1 सीटी तेज आंच पे और 2 सीटी मध्यम आंच करके लगा लेंगे। जब तक ये हमारा चना उबल रहा है तब तक हम दाल पिट्ठी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम तुअर दाल को धो लेंगे। इसे पानी डालकर अच्छे से 2 या 3 बार हमें इसे धो लेना है, और धो करके इस तरह से छान करके हमें 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है, ताकि इसका पानी बिल्कुल सूख जाए, क्योंकि इसे हमें भूनना है। गैस हम ऑन कर लिए हैं, कुकर हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, कुकर को हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, तुअर की दाल को भून लेना है। 10-15 मिनट छोड़ने के बाद आप देख रहे हैं इसका पूरा पानी सूख जाता है और बिल्कुल सूखा सा हो जाता है, और इसे हमें सूखा ही भूनना है। हमें कोई तेल या घी का प्रयोग नहीं करना है इसे भूनने के लिए। इसे हम इस तरह से चलाते हुए तेज आंच पर ही भूनेंगे। और सबसे बड़ी इसकी खासियत है दाल पिट्ठी की, कि ये इसमें किसी भी तरह का कोई तेल का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता है। ये बेहतरीन मैथिल 1 पॉट मील है। अब देख सकते हैं दाल हल्का सा लाल हो गया है, पर दाल ये भून करके अब तैयार है। तो आपको भी दाल इतना ही भून लेना है। और अब हम यहाँ इसमें डालेंगे पानी।
ये करीब करीब हमारा 250 ग्राम दाल है, तो इसमें हम लगभग 1.5 लीटर पानी डाल देंगे। कटा हुआ टमाटर, हल्दी, नमक, ये दाल हमारा भुना हुआ है तो इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए 1 सीटी तेज और कम से कम 3 सीटी मध्यम आंच पे इसे हमें लगाना है। कुकर को बंद कर लेंगे तो इसे हम पकने देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। ये चना हमारा पक चुका है तो इसे अब हमें छान लेना है। एक छन्नी में हम इसे छान लेंगे, इस तरह से एक छन्नी में हम पके हुए चने को हमें छान लेना है। इसे 5-10 मिनट के लिए हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम मैरिनेशन के लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं, जिस मैरिनेशन में हमें इस चने को मैरिनेट करना है। 2 चम्मच दही, 2 बड़े चम्मच नमक। हम चने को नमक के साथ बॉईल किए थे तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिर्फ हम इतनी ही नमक का इस्तेमाल करेंगे जितना कि हमें इस मैरिनेशन के लिए चाहिए। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो इस हिसाब से रखना है। जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, 1 टीस्पून, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और अब इन सभी को मिक्स कर लेना है। सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे उबले हुए चने के साथ मिक्स करके हमें मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। चने को मसाले में अच्छे से लपेट लेना है। मसाला पूरी तरह से चने में मिक्स हो जाना चाहिए। अब इसे 1 घंटे के लिए हम ढक करके रख देंगे। हमारा दाल 1 सीटी तेज में और 3 सीटी मीडियम आंच में लग करके पक के हमारा दाल तैयार है। तो यहाँ अब गैस हम ऑफ कर लेंगे और जब तक ये कुकर ठंडा होगा तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दाल पिट्ठी के लिए पिट्ठी बनानी है तो वो आटा हम तैयार करके रख लेते हैं। तो आटा हम करीब करीब 400 ग्राम लिए हैं और ये 6 लोगों के लिए है। थोड़ी सी नमक, साबुत जीरा, 1 चुटकी अजवाइन और घी। घी डाल करके अच्छे से हमें पहले मिला लेना है, मिक्स कर लेना है इसे। आटा को इस तरह से मिक्स कर लेना। अब देखो घी पूरी अच्छे तरह से मिक्स हो चुका है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हम गूंदेंगे और इसे काफ़ी सख्त गूंदना है क्योंकि इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम ढक करके छोड़ेंगे और इसमें हम नमक डाले हुए हैं तो आटा बिल्कुल गीला ना हो जाए। अगर हल्का सा भी गीला होगा तो हमारा पिट्ठी नहीं बन पाएगा, तो ये बहुत ही ध्यान रखना है कि आटा को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए काफ़ी सख्त गूंदना है। 1 साथ हम बहुत सारा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंदते हुए एक सख्त डो तैयार कर लेना है इसका। इसी तरह से इसका एक सख्त डो तैयार करना है। आप देख रहे हैं हल्का सा एक कड़क ही रहना चाहिए क्योंकि इसे अभी हम 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। काबुली चने की सलाद के लिए खीरा
प्याज और टमाटर को बारीक काट लेते हैं और नींबू का रस निचोड़ लेते हैं। तो ये हमारा प्याज टमाटर और खीरा कट चुका है और नींबू का रस हम निकाल लिए हैं। तो अब हम यहाँ बनाना शुरू करेंगे दाल पिट्ठी के लिए, जो हमें पिट्ठी बनानी है तो वो हम बनाना शुरू करते हैं। दाल पिट्ठी का पिट्ठी बनाना आटे का शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आटे के एक बड़ी सी लोई हमें लेनी है और इसमें सूखा आटा हम लगा लेंगे और पतला बेलना है हमें, जिस तरह हम रोटी के लिए बेलते हैं उसी तरह से हमें इसका एक बड़ा सा रोटी तैयार कर लेना है। और अब इसे चाकू से हम काट करके मनचाहा डिजाइन दे सकते हैं। इसका बहुत ही तरह तरह का डिजाइन बनाया जाता है, या अगर आप वो नहीं बना सकें तो छोटे छोटे इसके टुकड़े काट करके आप डाल सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ कुछ डिजाइन बनाकर आपको दिखलाएंगे कि कैसे पिट्ठी का तरह तरह का इसको शेप दिया जाता है। तो इस तरह से काट लेना है। और अब इसको जो भी आप चाहें शेप दे सकते हैं। तरह से काट लें, आप जो भी शेप दे पाएं वो आप दे सकते हैं। बहुत तरह तरह का शेप इसे दिया जाता है। तो इसी तरह से बनाते हुए आप अलग अलग शेप, जो भी आप मनचाहा शेप चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो ये मैंने इतने सारे तरह तरह के इसके पिट्ठी के शेप बनाए हैं। तो पिट्ठी हमारा बन चुका है, तो अब हम दाल को देख लेते हैं। दाल हमारा पक चुका है, तो अब यहाँ इसे हम फिर से गैस ऑन कर लेंगे और इसे मसालों के साथ हमें खौलाना है। दाल हमारा पक चुका है, हल्का सा इसे मिक्स कर लेंगे और यहाँ अब इसे हम खौलने के लिए छोड़ देंगे। और अब इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे यहाँ, और पानी मिक्स करके यहाँ इसे हम दाल को पतला कर लेंगे ताकि इसमें हमारे सारा आटे का जो हम पिट्ठी बनाए हैं वो भी हमारा पक जाए और बाद में हमें काफी सारा इसमें दाल का पतला ग्रेवी भी मिले। तो गैस हम ऑन कर लिए हैं, इसे अभी हम ढक करके खोलने देंगे। अब दाल हमारा खोलने लगा है, तो यहाँ इसमें हमें कुछ मसाले डालने हैं। अदरक का पेस्ट हम 1 टीस्पून लिए हैं, हरी मिर्च, जीरा पाउडर 2 छोटा चम्मच, लाल मिर्च जितना आप तीखा खाना पसंद करें, मिक्स कर देना है इसे अच्छी तरह से। और अब हम यहाँ ऐड करेंगे इसमें जो हम पिट्ठी बनाए हुए हैं। तो हम सारा पिट्ठी यहाँ ऐड कर लेंगे इसमें।
तो इसी तरह से हमें सारा पिट्ठू ऐड कर लेना है और इसे अब हम ढक देंगे। ढक कर करके तेज आंच पर ही इसे हम पकाएंगे। ढक्कन हम हटा लेंगे। अब ये अच्छे से खोलने लगा है, उबाल आ चुका है। अब हम यहाँ इसमें गरम मसाला ऐड कर लेंगे और बीच बीच में ढकते हुए इसे हम पकाएंगे। बस ध्यान रखना है हमें कि हमारा उबल कर दाल न गिरे, और हर 2-3 मिनट पर ढक्कन हटा करके हम देखते रहेंगे। और इस तरह से कम हमें इसे आधा घंटा पकाना है और हमारा पिट्ठी पक करके तैयार हो जाएगा। तो बीच बीच में ढक्कन हटाकर हम देखते रहेंगे हर 2-3 मिनट पर, ताकि उबल कर दाल नहीं गिरे। तो दाल पिट्ठी हमारा बन करके तैयार है। तो गैस अब हम बंद कर लेंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे ढक करके रख देंगे। अब हमें हमारे दाल पिट्ठी को छौंक लेना है, तो इसके लिए हमें चाहिए तेज पत्ता और साबुत जीरा। घी को हम यहाँ गर्म कर लेंगे। तेज पत्ता और साबुत जीरा को हमें हल्का सा लाल होने तक पका लेना है। और ये पक चुका है फौरन, तो इसे अब हम दाल पिट्ठी को छौंक लेंगे। इसे भी 10 से 15 मिनट के लिए हम ढक कर रखेंगे, ताकि इसमें छौंक की अच्छी सी खुशबू आ जाए। और अब हम सलाद की तैयारी करते हैं। तो पैन हमारा गर्म हो चुका है, तेल हमें गर्म कर लेना है। तेल हम सरसों का लिए हैं, और इसमें हमने जो मैरिनेट करके चने रखे हैं उसे हमें यहाँ भून लेना है। इसे चलाते हुए हम बिल्कुल लाल होने तक भूनेंगे, गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। बिल्कुल ही चना क्रिस्प सा हो जाता है। और अब इस चने को हमें खीरे, प्याज, टमाटर के साथ सलाद बना लेना है। काला नमक, चाट मसाला, नींबू का रस और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और अब हम यहाँ कटा हुआ प्याज, टमाटर और खीरा मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हमें मिक्स करना है हमारा भुना हुआ काबुली चना। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। चना हमारा मिक्स हो चुका है, सलाद हमारा बन करके तैयार है, और दाल पिट्ठी भी हमारा तैयार है। मिथिला के हर व्यंजन का अपना एक अलग ही स्वाद होता है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं, खाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।